गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम, क्या नाम था? सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फूड में हमने फूड एंड न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, फंक्शन ऑफ फूड पढ़े थे, वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया ये भी एक्सप्लेन किए थे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, ये सभी टॉपिक एक्सप्लेन की थी और आप सभी ने होमवर्क कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड खुद से नहीं प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी खुद से ग्रो नहीं कर सकते, खुद से बना नहीं सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। देयर बॉडी पार्ट्स आर एडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स है अर्थ पे, जितने भी एनिमल्स है सभी कैसे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, प्लांट से जुड़े हुए हैं अपने फूड के लिए, यानी वो अपने हैबिटेट के हिसाब से क्या करते हैं, फूड खाते हैं, यानी जिस टाइप से उनको फूड चाहिए। कोई मांसाहारी होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं। तो फर्स्टली है हमारा पॉइंट हर्बिवोरस। हर्बिवोरस मीन्स शाकाहारी, ऐसे एनिमल्स जो क्या ईट करते हैं, हर्ब्स यानी प्लांट्स को ईट करते हैं। तो हर्बिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, यानी जितने भी हर्बिवोरस में जितने भी एनिमल्स आते हैं सभी प्लांट्स को खाते हैं। लाइक बफेलो, काउ, डियर एंड हॉर्सेस आर हर्बिवोरस एनिमल्स, यानी ये सभी एनिमल्स कैसे है, हर्बिवोरस। घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं पेड़ों के। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट, यानी ये जितने भी हर्बिवोरस एनिमल्स है इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, नोकीले होते हैं और उसको हम कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं। और ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, यानी ग्राइंडिंग टीथ कहाँ रहते हैं, बैक साइड में, यानी जो भी फूड वो क्या करते हैं, पहले घास को कटिंग करने के लिए उनके अलग टीथ होते हैं और उसको चबाने के लिए अलग टीथ होते हैं हर्बिवोरस एनिमल में। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनको खाते हैं। लायन, टाइगर, डॉग, स्नेक, ईगल्स एंड वल्चर्स आर कार्निवोरस, यानी ये जितने भी एनिमल्स हैं ये कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं, जो अपने से छोटे जीव को यानी खाते हैं, उनको यानी शिकार करके खाते हैं। द एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू टियर द फ्लैश, यानी जो शार्प उनके टीथ कैसे होते, शार्प होते हैं और वो क्या करते हैं, कट, यानी जो अपने शिकार को झड़पने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर दांत गड़ाते हैं, यानी उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं। द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं उनकी कैसे होती, पॉइंटेड चोंच होती है टू टियर द फ्रेट। स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ विच आर यूज ओनली द हेल्प ऑफ स्लोविंग द स्प्रे एज अ होल, यानी जो स्नेक होता है वो क्या करता है, बाइट करता है, काटता है और उसके अंदर जो जहर होता है उसको वो उस एनिमल के ऊपर क्या करता है, डालता है, जिससे वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है या मर जाता है। फिर उस छोटे से एनिमल को क्या करता है, ईट करता है, खाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमने कार्निवोरस पढ़े और है ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस मीन्स ऐसे, हर्बिवोरस में क्या होता है, प्लांट खाने वाले, कार्निवोरस में मांस खाने वाले, मांसाहारी। जो ओमनिवोरस होते हैं इसमें दोनों, जो इन्हें हर्ब को भी यानी प्लांट को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को ओमनिवोरस में रखा गया है। ओमनिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स
एंड एनिमल्स, ह्यूमन आर ओमनिवोरस, यानी ह्यूमन बींग है वो ओमनिवोरस है, कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं। बियर, काउस एंड द कॉकरोचेस आर आल्सो ओमनिवोरस एनिमल्स, यानी ये जितने भी एनिमल्स है ये कैसे है ओमनिवोरस, यानी मांस भी खाते हो, पेड़ पौधे पेड़ पत्तियां भी खाते है, सब्जी फ्रूट वगैरह खाते। सम कार्नियोरस एंड ओमनिवोरस नोन द स्कैवेंजर्स, यानी कुछ कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स को स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं हम, जो डेड बॉडी को खाते हैं ना, जो डेड डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं, उसको हम। देन नेक्स्ट है सम कार्निवोरस सॉरी स्कैवेंजर्स मेनली कंज्यूम डेड बॉडी ऑफ एनिमल एंड हेल्प टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, यानी ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं क्या करते हैं जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखने में भी मदद करते हैं, जो भी डेड बॉडी है उसको खाकर वो क्या करते हैं खत्म करते हैं, क्लीन करते हैं, इसलिए उनको वो यानी वो क्या करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। सम एग्जांपल आर द क्राउस, जैकल्स, हाइना एंड द वल्चर्स आल्सो। देन नेक्स्ट है पैरासाइट, स्कैवेंजर्स पढ़े हमने, उसके बाद में है पैरासाइट। Parasites are small animals that depend on other living animals for their food. अब देखो parasite, parasite means ऐसा जीव जो क्या करता है, जिसको हम परपक्षी बोल सकते हैं, परजीव बोलते हैं उसको, parasite को परजीव, यानी किसी जीव के ऊपर रहकर उसके न्यूट्रिएंट डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को गेन करना, लाइक मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या करता है हमको बाइट करता है, हमारा खून चूसता है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का पैरासाइट है। देन मॉस्किटो लिव ऑन ब्लड वेयर दे आर दे सर्व फ्रॉम द ह्यूमन एंड अदर एनिमल, यानी वो क्या करता है अपने नेक्टर से सर्व करता है ब्लड को और फिर उसी से नरिशमेंट करता है अपने बॉडी को, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। द मॉस्किटो हैज अ लॉन्ग शार्प पाइप स्टेंट ऑफ टीथ विच इज यूज द पीस एंड द स्किन एंड सब द ब्लड, यानी स्किन में क्या करता है वो पिंच करता है और ब्लड को सब करता है। देन लीच एंड डव आर आल्सो पैरासाइट, जो लीच है आपने सुने होंगे लीच के बारे में, वो भी क्या है पैरासाइट है, दूसरे एनिमल में चिपक कर क्या करता है उसके खून को चूसता है। देन सब पैरासाइट सच एज द टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म लिव इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल। जो टैप वॉर्म है, टैप वॉर्म के बारे में आप लोगों को पता होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डेवलप होता है और जो भी फूड डाइजेस्ट होता है और वो फूड न्यूट्रिएंट में जब चेंज होता है तो उस न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट क्या करता है लेता है, वहीं पे लिविंग करता है और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं पैरासाइट। और सिर्फ ह्यूमन बींग में नहीं, अदर एनिमल्स में भी टैपवॉर्म, राउंड जो राउंडवॉर्म है ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन, यू नो फूड चेन, फूड चेन ने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, जैसे ये ग्रास है, ये जब ये प्रोड्यूसर है, हम इसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, और ये प्लांट किंगडम आते हैं, प्लांट किंगडम में जितने भी है वो क्या है प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए खाना, प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ग्रास है, अब इस ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रासोफर, ठीक है, ग्रासोफर को कौन खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक। तो ये जो एक दूसरे को खाकर एक लिंक तैयार करना है, एक चेन तैयार करना है, उसे हम बोलते हैं फूड चेन। अब ये स्नेक को कौन खाता है, ईगल। अब ईगल जब डेड होता है तो डेड होने के बाद में वो फंगी में चेंज होता है, फिर जब वो फंगी में चेंज होता है तो यानी डेड और डिके मटेरियल पे फंगी क्या होता है ग्रो होता है, फंगी ग्रो होता है उस समय एक जो डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होता है वो मटेरियल, तब वो म्यूकस में क्या होता है चेंज होता है, फिर सॉइल में मिलता है, फिर वहां पे ग्रास होता है, यानी ये जो फूड चेन है ये कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ पे क्या होता है चलते रहता है, इसीलिए सभी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, फूड चेन में सभी बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो फूड चेन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, अ ग्रासोफर ईटन अ ग्रीन प्लांट, अ फ्रॉग ईटन ग्रासोफर, द फ्रॉग ईटन बाय द स्नेक एंड द स्नेक ईटन बाय द ईगल, यानी स्नेक को कौन खाता है ईगल, और ईगल फिर डेड होता है। देन द चेन ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड द फूड चेन, यानी ये जो
पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी ये जो फूड चेन है इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है और ये हमारे एनवायरनमेंट का एक भाग है। द स्टडी ऑफ फूड चेन आल्सो सॉल्व्स द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन दैट एनवायरनमेंट इन अ ग्रासलैंड। द फॉलोइंग फूड चेन एग्जिस्ट ग्रास झेब्रा एंड लॉयन। अब देखिए कुछ फूड चेन कैसे होते हैं, डिपेंड यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ग्रासों पर ग्रास के ऊपर डिपेंड है, फ्रॉग ग्रासों पर भी ऊपर डिपेंड है, जो स्नेक है वो फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है। फूड चेन में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये जो फूड चेन है ये जैसे ट्रॉपिकल फूड चेन है उसमें है जैसे अलगी, अलगी को कौन खाती है, स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश को क्या खाती है, उससे जो बड़ी फिश है वो खाती है, फिर उस बड़ी फिश को उससे भी जो बड़ी, उससे जो बड़े जैसे बैल है डॉल्फिन है ये क्या करते हैं उनको खाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे भी यानी ट्रॉपिकल लेवल पर है वो फूड चेन। नॉट दैट ऑल फूड चेन बीइंग फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, व्हाट डज दिस मीन्स, द इट मीन्स दैट ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर द फूड। एंड इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एनिमल्स है ये डायरेक्टली डिपेंड है ग्रीन प्लांट पे, यानी अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, यानी इनडायरेक्टली ये जो स्नेक है ये कैसे डिपेंडेंट है इस ग्रास पे, और ये जो ग्रासों पर है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, आपकी बुक में दिया गया है और यही आज आपका होमवर्क है।